सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल आज स्टॉक्स में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आज आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी खासी हुई होगी। और हम बात करें आज के मार्केट का ओवरव्यू दे तो किस तरीके से आज मार्केट रही हमारी, हम बात करेंगे आज इस पारी के दिन की। जैसा कि हमने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ आज हमें मार्केट के अंदर, बिल्कुल भी वैसा हमें नहीं देखने को मिला। सिर्फ हमें देखने को मिला आज साइडवे फेक ब्रेकआउट्स और लोगों की ट्रैपिंग दिखी यहाँ पे मार्केट के अंदर। अगर हम बात करें आज गैप अप ओपनिंग की तो मार्केट के अंदर आज फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है, जैसा कि निगेटिव में ओपन हुआ था मार्केट। उसके बाद मार्केट के अंदर तेजी के साथ मार्केट ने डाउन साइड के लिए मूवमेंट दिखाया। मार्केट क्लोज ओपन होता है यहाँ पे करीबन 30 से 40 पॉइंट का एक गैप डाउन लेके, लेकिन ओपन होता है तो 100 पॉइंट्स का हमें एक सडन फॉल देखने को मिलता है मार्केट के अंदर। मार्केट ने जैसे, अगर मैं आपको इस कैंडल को 3 मिनट करके दिखाऊं किस तरीके से मार्केट ने आज मूवमेंट किया, कितनी ज़्यादा फेक ब्रेकआउट्स दिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने हमारा जो ओवरऑल कल का सपोर्ट था वो ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे, और वैसे ही नीचे की तरफ मूवमेंट हुई। ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन नहीं करी मार्केट ने, ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने पहले यहाँ पर लो बनाया अपना, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ यहाँ पे ओपनिंग होती है मार्केट की, उसके बाद नीचे की तरफ आती है मार्केट, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, फिर यहाँ पे क्लोजिंग देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपनिंग मार्केट की कहाँ होती है, सिर्फ 30 पॉइंट के गैप डाउन पे मार्केट ओपन यहाँ पे होता है, उसके बाद तेजी के साथ नीचे आती है और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है। उसके बाद फिर दिखा है तो ऊपर की तरफ लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी, यहाँ से सपोर्ट लिया है मार्केट ने, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता। मार्केट ने यहाँ से फिर एक फॉल दिखाता है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था वहीं से हमें फॉल देखने को मिलता है। उसके बाद फिर से डाउन साइड के लिए मूवमेंट होता है, यहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिलता है, ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है, सपोर्ट तो मिलता है लेकिन ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं कर पाती, फिर से वहीं से फॉल हो जाता है मार्केट के अंदर। इस बार सपोज यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट ब्रेक हुआ, लेकिन दूसरी भी कैंडल हमारी यहाँ पे नीचे की तरफ बनती है लेकिन सस्टेन नहीं करती, नीचे की तरफ आती भी है, ब्रेकआउट भी मिलता है लेकिन फिर से वहाँ से रिटर्न हो जाती है। जैसा कि फिर से इस बार जो वहाँ पे रिटर्न हुआ था काफ़ी तेज़ी के साथ मार्केट के अंदर रिटर्न हुआ था, इस पास भी मार्केट ने सपोर्ट लिया था काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पे लिया, और मार्केट ने अपना ओवरऑल हाई बना दिया था 42,490 का, जो कि एक फिर से एक रेजिस्टेंस पे आके रुकती है। तो ये सडन मूवमेंट के कारण मार्केट के अंदर लोग एंट्री एग्जिट नहीं कर पा रहे थे, कि जब कोई गलत ट्रेड के अंदर हो, रॉन्ग ट्रेड के अंदर हो, अगर उसने स्टॉप लॉस ना लगाया हो तो वो एंट्री कैसे कर ले वहाँ से, क्योंकि एक सडन मूवमेंट होती थी फिर वहाँ से बैक आके मार्केट उसके पोजीशन में आ जाती थी। तो इस तरीके से यहाँ पे मार्केट के अंदर ट्रैपिंग चल रही थी। देखा जाए तो फिर से मार्केट जब यहाँ पे डाउन साइड के लिए मूवमेंट करता है तो फिर से उसी सपोर्ट पे आता है, यानी कि आप देख सकते हो कि मार्केट ने कितनी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे आके मार्केट रुकती है, यानी कि टोटली साइडवे थी, कुछ भी कंफर्मेशन नहीं था कि मार्केट किस तरह मूवमेंट करेगी। अगर हम बात करें तो 9:15 से लेके करीब करीब 9:42 यानी कि करीब 9:45 तक मार्केट ने सिर्फ यहाँ पे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ही मूवमेंट दिखाया, कोई भी एक सिंगल डायरेक्शन में मार्केट ने मूवमेंट नहीं किया। और फाइनली देखा है तो काफ़ी टाइम के बाद हमें एक डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिलता है, वो भी किस तरीके की मूवमेंट थी, डाउन साइड के लिए पहले मूवमेंट, फिर इस कैंडल के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं था, ऊपर नीचे दोनों तरफ, फिर सडन फॉल होता है, फिर एक ग्रे बनती है ऊपर की तरफ और फिर यहाँ से डाउन साइड के लिए बनता है और यहाँ से फिर सपोर्ट मिलता है, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ आ गई थी इस वाली कैंडल के अंदर, यहाँ पे नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा था लेकिन फिर सडन ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट सुपर मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ तक जाना चाहिए उसको, लेकिन फिर से वही फॉल होता है, फिर सपोर्ट लेता है, यानी कि टोटल यहाँ पे देखना था इतनी ज़्यादा रिस्की थी आज मार्केट हमें देखने को मिलती है, बिल्कुल भी ट्रेड करने के लायक नहीं थी, फिर भी हमने अच्छे खासे यहाँ पे ट्रेड निकाले, क्योंकि मार्केट जब भी मूवमेंट करती है तो कम से कम 10 से 15 पॉइंट का एक अच्छा खासा हमें ट्रेड के अंदर देखने को मिल रहा था। अगर ब्रेकआउट के बाद देखा जाए तो सिर्फ 15 से 20 पॉइंट का हमें एक ट्रेड के अंदर चेकपॉट नहीं निकल पा रहे थे बिल्कुल भी, क्योंकि सडन मूवमेंट के अंदर ही केवल चेकपॉट निकल रहे थे, क्योंकि पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मार्केट के अंदर यहाँ पे कोई कैसे सपोज कर ले कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट कर देगी, क्योंकि यहाँ पे सिंपली आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ पे अपना सपोर्ट ब्रेक किया, मार्केट नीचे तरफ आई और एक सडन मूवमेंट की तरफ मूवमेंट में मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा रिस्की थी मार्केट, और ऊपर जाते जाते मार्केट ने यहाँ पे आती है मार्केट तो फिर से वहीं फॉल हो जाता है, ओवरऑल अपना एक हाई भी ब्रेक कर देता है यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे अपना जो रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रेक कर देता है, फिर भी यहाँ पे सस्टेन नहीं करता, फिर से फॉल हो जाता है। और इस बार जो मार्केट के अंदर फॉल आता है वो काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे की तरफ मार्केट मूवमेंट करता है, पहले तो यहाँ पे रुकती है मार्केट, यहाँ से थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पे सपोर्ट लेती है मार्केट, जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी मिनट मार्केट यहाँ पे रुकी, लेकिन यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट नहीं मिला ऊपर की तरफ, फिर से यहाँ पे सस्टेन करते ब्रेकआउट इस बार देता है मार्केट अपने सपोर्ट को, ये रियल ब्रेकआउट था, क्योंकि इसके ब्रेकआउट के वहाँ सस्टेन करती है मार्केट, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है, तो यहाँ पे अच्छी खासी एंट्री लेके कोई भी एग्जिट कर सकता था, लेकिन यहाँ पे ये बात रहती थी क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा सपोर्ट बन गए थे मार्केट के अंदर कि कौन से सपोर्ट से मार्केट रिटर्न हो जाए, ये यहाँ पे दिक्कत करने वाली बात थी, इसलिए यहाँ पे हमने कोई ट्रेड नहीं ली, क्योंकि यहाँ पे
नीचे ऊपर मार्केट के अंदर दोनों तरफ मूवमेंट हो रही थी और सडन फॉल हुआ। यहाँ पे एंट्री लेने का टाइम नहीं मिला कि कितनी तेजी के साथ यहाँ पे फॉल हुआ, फिर यहाँ से रिटर्न हो जाती है मार्केट, फिर देखा है तो फिर ऊपर की तरफ जाती है मार्केट। ओवरऑल आप देख सकते हो कितनी किस तरीके से मार्केट ने आज टोटल ट्रैप किया है। आज एक्सपायरी थी जबकि लगा था कि मार्केट के अंदर अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला, सिर्फ ट्रैपिंग देखने को मिली और दोनों साइड मूवमेंट देखने को मिला और सिर्फ टाइम डीके हुआ, प्रीमियम डीके हुआ। तो चलिए हम आशा करते हैं कि कल के दिन हमारी अच्छी खासी ट्रेडिंग निकले, क्योंकि आप देख सकते हो कि ओवरऑल मार्केट का जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से डाउन साइड के लिए मूवमेंट कर रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा साइड वे मार्केट हमने आज तक पहले नहीं कभी नहीं देखी, क्योंकि जिस तरीके से मूवमेंट हो रहा था फेक ब्रेकआउट्स को देख के लग नहीं रहा था कि मार्केट यहाँ से रिटर्न करेगी, लेकिन रिटर्न करती थी वहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद भी। तो देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट अभी किस तरीके से चार्ट पैटर्न को फॉलो कर रही है, इस सपोर्ट को लेके मार्केट अभी मूवमेंट कर रहा है, इस चार्ट पैटर्न को लेके मार्केट अभी मूवमेंट कर रहा है। तो अगर इस सपोर्ट को तक ब्रेकआउट ना दे तब तक मार्केट इस तरीके से मूवमेंट करती रहेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितनी बार मार्केट ने ट्राई करा है इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करने की, लेकिन ब्रेक भी कैसे करती है, ब्रेक करने के बाद रिटर्न हो जाती है, यहाँ से ब्रेक करती है फिर रिटर्न हो जाती है। तो कैसे कैसे यहाँ पे ट्रेड कर किया जा सकता है, तो आप सिर्फ सेफ ट्रेड कर सकते हो तभी जब आप सिर्फ छोटे टारगेट के लिए मार्केट के अंदर आप आओ, छोटे टारगेट लो और एग्जिट कर लो टाइमली, क्योंकि साइडवे मार्केट में क्या होता है कि जैसे आपको 20 से 25 पॉइंट का अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है आप होल्ड कर लेते हो बड़े प्रॉफिट के लिए, तो डेली जैकपॉट निकालना पॉसिबल नहीं है। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होती तभी आपको जैकपॉट मिलता, अदरवाइज आपने यहाँ पे एंट्री ली होती तभी आपको जैकपॉट निकलता। तो किसी को कन्फर्मेशन नहीं होता ना कि यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद भी मार्केट रिमूव ऊपर की तरफ रिटर्न कर सकती है, इसलिए यहाँ पे कोई भी जैकपॉट आज कोई भी किसी ने भी नहीं बुक किया, सिर्फ सबने छोटे छोटे प्रॉफिट से आज खुश हैं। तो चलिए बात करते हैं कल के लिए हमारे कौन से लेवल से रेजिस्टेंस होने वाले हैं। तो फाइनली हम बात करेंगे तो हमारा डाउन साइड के लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, ओवरऑल आज का हमारा जो सपोर्ट है मार्केट के अंदर उसे ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रेड लाइन भी ब्रेक करती है, हमारा सपोर्ट भी ब्रेक करती है, तो डाउन साइड के लिए अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। तो हमारा एक सपोर्ट ये रहा हमारा डाउन साइड के लिए 42,120 का, ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। इसके बाद अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आपको अच्छा खासा डाउन साइड के लिए फॉल देखने को मिल सकता है। अगर ये फॉल हुआ तो आपको पहला लेवल 42,000 का देखने को मिल सकता है, दूसरा 41,900 और तीसरा लेवल 41,790 का। डाउन साइड के लिए तीन लेवल देखने को मिल सकते हैं, और अपर साइड के लिए बात करें तो आज के हाई को ब्रेक करना पड़ेगा मार्केट को पहले। अगर ये साइडवे मार्केट से मार्केट को ऊपर की तरफ मूवमेंट करना है तो पहले तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा अपना ये हाई। अगर मार्केट 42,510 को ब्रेक कर देती है अपर साइड के रेजिस्टेंस को, जो कि मार्केट ने ट्राई करा बहुत टाइम ब्रेक करने के लिए, ब्रेक किया लेकिन फिर से रिटर्न, अगर ये ब्रेक कर देती है अच्छा खासा सस्टेन करती है वहाँ पे, तो आपको अपर साइड के लिए एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। आपको पहला लेवल देखने को मिल सकता है 42,640 का, दूसरा 42,750, तीसरा 42,850 का। आपको तीन लेवल अपर साइड के लिए भी देखने को मिल सकते हैं और डाउन साइड के लिए भी तीन लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जिस तरफ भी हमारे रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट ब्रेक होते हैं आपको मार्केट के अंदर उसी साइड ट्रेड करने हैं। चलिए मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैसेज के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए।